जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, किसानों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी। सरकार की इस बेहद खास योजना से मिलेंगे हर महीने कई हजार रुपए। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश के छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में उचित ढंग से जीवन यापन करने के लिए पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन प्रदान कर रही है। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 31 मई 2019 को की गई है। सरकार इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल की आयु पूर्ण होने पर प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करेगी। इस योजना को किसान पेंशन योजना भी कहा जाता है। इस किसान पेंशन योजना 2023 के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया गया है जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि है। इस योजना के तहत अगर लाभार्थी के किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। किसान मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को हर महीने प्रीमियम भी देना होगा। 18 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को हर महीने 55 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करना होगा और 40 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को 200 रुपये का प्रीमियम का भुगतान करना होगा, तभी वह इस योजना का लाभ 60 की आयु पूरी होने पर उठा सकते हैं। बता दें, पीएम किसान मानधन योजना 2023 के तहत लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना के तहत अंतर्गत बुढ़ापे में दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में पहुंचा दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 2023 के अंतर्गत देश के किसानों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाना और भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाना है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट।